राम तेरी गंगा मैली से बॉलीवुड में रातों रात पहचान बनाने वाले सुपरस्टार अभिनेता स्नोमैन राज कपूर के बेटे राजीव कपूर हमारे बीच आज इस दुनिया में मौजूद भले ना हो, लेकिन जिस तरह से उन्होंने पहचान बनाई, हैंडसम हंक का जिन्हें नाम मिला, वो पहचान कभी भी नहीं भुलाई जा सकती। खैर, आपको हमारी इस रिपोर्ट में बता दें कि राजीव कपूर भले ही फिल्म राम तेरी गंगा मैली से बड़ी पहचान बना चुके थे, अफसोस की बात तो यह है कि राजीव कपूर ताउम्र इतनी बड़ी पहचान बनाने के बावजूद बॉलीवुड के ब्लॉकबस्टर हीरो बनने का सपना देखते रह गए, तरसते रह गए वो एक अच्छी फिल्म के लिए, एक अच्छी स्क्रिप्ट के साथ काम करने के लिए, लेकिन ये सपना रह गया हमेशा हमेशा के लिए उनका अधूरा। राजीव कपूर के गुजर जाने के बाद उनके बारे में बात करते हुए, उन्हें ट्रिब्यूट देते हुए हाल ही में फिल्म मेकर अनीस बज़मी ने इंटरव्यू दिया और उन्होंने शोक भरे शब्दों के साथ दर्द बयां किया। राजीव के दर्द से वो अच्छी तरह से वाकिफ थे। राजीव के बारे में अनीस का कहना था कि तरस रहे थे राजीव एक अच्छी फिल्म के लिए। राजीव ने अनीस बज़मी को सजेस्ट किया था फिल्म लिखने के लिए। फिल्म राइटर अनीस बज़मी को फिल्म लिखते हुए देखकर राजीव बहुत खुश होते थे, उनके वो बहुत करीबी दोस्त थे। अनीस का कहना है कि राजीव ने उनसे हमेशा कहा, एक अच्छे स्क्रिप्ट लिखो, एक अच्छे फिल्म की कहानी लिखो और मुझे वो फिल्म ज़रूर दो, मैं ज़रूर करना चाहूँगा एक अच्छी फिल्म में काम जिसके स्क्रिप्ट तुम लिखे होगे। और ये सपना राजीव का पूरा न कर सके अनीस बज़मी। अनीस बज़मी ने ये कहा है कि वो इतनी जल्दी राजीव को खो देंगे ऐसा उन्होंने सपने में दूर दूर तक भी नहीं चाहा था और ना ही सोचा था। ये उनकी निजी क्षति से कम नहीं है। नेक्स्ट 9 न्यूज रूम से तृप्ति की रिपोर्ट।